हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सवर्नाम। सवर्नाम मतलब होता है प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक गद्यांश दिया है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हरिया एक किसान है, वह रोज सुबह खेत पर जाता है, वह हल चलाता है, उसके पास दो बैल भी हैं। उसने अपने खेत में खूब परिश्रम किया, ठीक है। तो इसमें वह, उसने, अपने, उसके, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस हैं, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन सिर्फ यही चार नहीं होते हैं, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, मेरा, तुम्हारा, आपका आदि, ठीक है। तो सवर्नाम की आप परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि प्रोनाउन वो, अब देखिए सवर्नाम की परिभाषा, यानी कि सवर्नाम होता क्या, इसमें ये बताएगा। तो मतलब अगर आपको उसकी परिभाषा देनी हो, जैसे कोई कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज सवर्नाम, ठीक है, मतलब सवर्नाम क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सवर्नाम कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग संज्ञा शब्द की बजाय सवर्नाम का ही प्रयोग कर रहे हैं ना, संज्ञा शब्द को हटा के कोई और शब्द हमने, जैसे वह, तो हम वह क्या है, वह हमारा सवर्नाम है, ठीक है। सवर्नाम का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक समान रहते हैं, मतलब सवर्नाम में जो मैं, तुम, आप, ये सब रहता है, इसमें इससे आपको स्त्रीलिंग या फिर कुछ पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, दोनों एक ही समान लग रहे हैं। इसमें क्रिया से हमें पता चलता है, किससे, क्रिया से, कि क्रिया कैसी है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो रहा हूँ से हमें पता चल रहा है, मैं से तो कुछ नहीं पता चल रहा। अगर ये लिखा है मैं, तो आपको मैं से तो कुछ नहीं पता रहा कि लड़का है या लड़की, लेकिन अब देखिए मैं खाना खा रही हूँ, तो इसमें भी आपको क्रिया से ही पता चला ना, तो दोनों क्रिया से पता चला। सवर्नाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होना, सवर्नाम शब्दों में भी एक प्लूरल और सिंगुलर नाउन, मतलब प्लूरल और सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे, तो ये सब क्या, सब सिंगुलर है। और इंग्लिश ग्रामर में आप लोग क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं आई मी, है ना, आई मी, और बहुत कुछ कहते हैं, जैसे आई मी, ठीक है। और बहुवचन रूप में हम, तुम, सब, वे, ये, उन्हें, इन्हें, जैसे दे, देम, वी, आर, है ना। तो देखिए सवर्नाम के भेद, सवर्नाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन के छह भेद होते हैं, कितने, छह भेद, ठीक है। तो पुरुषवाचक सवर्नाम, निश्चयवाचक सवर्नाम, निश्चयवाचक सवर्नाम, अनिश्चयवाचक सवर्नाम, संबंधवाचक सवर्नाम और प्रश्नवाचक सवर्नाम और निजवाचक सवर्नाम, तो ये छह सवर्नाम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सवर्नाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक जैसे क्या होता है, देखिए जो सवर्नाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सवर्नाम कहते हैं। मतलब जो बोलने वाला स्वयं के लिए करे, या फिर जो मतलब बोलने वाला, मतलब जो सुन रहा है, वो किसी का सुन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ एग्जांपल में बताया, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो ये बोलने वाला किससे कहा है, खुद कह रहा है ना, मैं मतलब स्वयं से कहा, बोलने वाला अपने लिए, वो खुद के लिए कहा, तुम कहा गए थे, ये सुनने वाले के लिए, जो बोलने वाला है वो मतलब जो, ऐसे यहाँ देखिए दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक, तो जो पहला इंसान है वो बात कर रहा है और उसे बता रहा है कुछ, तो ये क्या कर रहा है, ये उस बात को ध्यान से सुन रहा है, तो ये है सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। वह स्कूल से लौट रही थी, ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे आप यहाँ किसी एक व्यक्ति को देखे और आप दोनों बात कर रहे हो, फिर आप दोनों उसके से दिखा रहे हो, देखो वो स्कूल से आ रहा है ना, तो ये हो गया अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है। पुरुषवाचक सवर्नाम तीन प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सवर्नाम तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मतलब खुद के लिए, तो आप खुद को पता ही होगा कि आके यूज करते हैं मैं, हम, हमने, मेरा, मेरी, ठीक है। अब मध्यम, मध्यम मतलब जो सुन रहा हो, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी, अन्य के लिए, जैसे यह, वह, वे, उसका, उसकी, ठीक है। अब उत्तम पुरुष क्या होता है, जिन सवर्नामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है,
उत्तम उसे कहते हैं जो बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैंने तुमको आते हुए देखा, मैंने तुमको आते हुए देखा, ठीक। तो मैंने ये स्वयं मतलब ये खुद से कह रहा है, ये कोई मतलब था नहीं, वो खुद से कहा। हमने अपने देश पर गर्व है, हमें तो ये खुद से कह रहा है ना। मध्यम, मध्यम मतलब दो लोग बात करो, जैसे जो सुन रहा हो। जिन सवर्नामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कानपुर में रहते हो, सुनने वाले के लिए। तुमने श्याम को बुलाया है, ये सुनने वाले के लिए। तो दोस्तों इतना आज की वीडियो में काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य पुरुष, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सवर्नाम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।